हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ विराट पर आपका हार्दिक है। दोस्तों आइए आज हम लोग पढ़ते हैं जो क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सबके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हम लोग अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, इसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे जो हिंदी व्याकरण चल रहा है तो इसके पहले हमने वर्ड के बारे में पढ़ा था। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट जाकर आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात आता है, हमने वर्ड के बारे में पढ़ा था। तो वर्ड हमने बताया था वर्ड क्या है, ये कितने प्रकार के होती है, इसकी संख्या कितनी होती है। हमने जो वर्ड हमने बताया था दो प्रकार का होता है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। इसके पहले हमने स्वर वर्ण के बारे में हमने पढ़ लिया था, आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं सबसे पहले बात आता है कि सर व्यंजन वर्ण होता क्या है। तो कह रही जिन वर्ण के बोलने में अगर स्वर वर्ण की सहायता होती है उसे हम व्यंजन वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिन वर्णों को बोलने में हम लोग स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। अब इसके पहले हमने स्वर वर्ण की संख्या बताया था कि 11 होता है, अ से लेकर अ तक आता है। अब तो इसमें क्या होता है, जो व्यंजन वर्ण होता है ना, इसको बोलते समय हम लोग स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, यानी स्वर वर्ण का हेल्प लेते हैं। तो जो हेल्प ले लिए तो कहलाएगा व्यंजन वर्ण। समझ बात में। अब आप देखिए, आप व्यंजन वर्ण को स्वर वर्ण के अलावा बिना सहायता से बोल ही नहीं सकते हैं, इसलिए जब भी व्यंजन वर्ण आता है उसमें स्वर हमेशा छिपा रहता है। अब आता है अगर सर अगर व्यंजन वर्ण से स्वर को निकाल दिया जाए तो। हाँ, ये बात सही है कि यदि हम कह रहे हैं आपको कि यदि किसी भी व्यंजन व्यंजन वर्ण से स्वर को व्यंजन से स्वर को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, दिया जाए, तो उस वर्ण के नीचे, उस वर्ण के नीचे हलंत का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है हलंत। अब कहेंगे सर ये हलंत क्या होता है, तो ये मैं बताता हूँ। हलंत का मतलब होता है देखिए ऐसे, इसका मार्का ऐसे होता है, उसमें हलंत का चिन्ह लगाकर लिखा जाता है, लिखा कर लिखा जाता है। सुनो बात नो, कह रहे कि अगर किसी भी व्यंजन वर्ण से आप स्वर को हटा देते हैं ना, रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो उस वर्ण के नीचे हलंत का चिन्ह, हलंत का चिन्ह मार्का हमने बताया है ब्रैकेट में ऐसे होता है, चिन्ह लगाकर लिखा है। जैसे एग्जाम्पल में बात किया जाए तो एग्जाम्पल से मान लीजिए क हमारा व्यंजन है और इसमें से हलंत को हटा दीजिए तो यह लिखाएगा ऐसे आधा क। समझ बात में, तो ये आपको शुद्ध व्यंजन हो गया, क्योंकि व्यंजन में हमेशा स्वर छिपा रहता है, जैसे हलंत लगेंगे स्वर हट जाएगा। तो उसी तरह क हो गया, तो ख में अगर हलंत लगा दे ग घ इटीसी, यानी इसमें आपको व्यंजन वर्ण छिप गया, क्योंकि या इसको आधा का शुद्ध का इसमें आपको स्वर नहीं है, स्वर को हटाए तभी तो हलंत लगाए। और जैसे आपको हलंत को हटाइएगा स्वर जुट जाएगा, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल हम नीचे लिखा, इस सब में आपको स्वरों की संख्या छिपी हुई है। ठीक है ना, जैसे क है, क आपको जो क बना होता है ना, देखिए जो क होता है ना वो बना होता है आपको क हलंत अ से, जैसे इसको हम जोड़ेंगे तब बन जाएगा क, इसलिए देखिए क में अ छिपा है कि नहीं छिपा है, यानी व्यंजन वर्ण छिपा है, आपको स्वर वर्ण छिपा है कि नहीं छिपा, छिपा हुआ, इसलिए दोनों को मिलने से क्या बनता है, क बनता है। अब आता है कि सर हम तो समझ गया कि आपको कि अगर व्यंजन वर्ण से अगर स्वर को हटा दे तो हलंत लगा के लिखा जाता है, कि अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है कि सर ये जो क खा होता है ना, इसका उच्चारण स्थल, यानी उच्चारण स्थल का मतलब होता है पंक्चुएशन प्लेस क्या होगा। जैसे कि इसका उच्चारण स्थल की बात किया जाए, कई बार बोर्ड में पूछ देता है कि बताइए इसका उच्चारण स्थल क्या होगा, ध्यान की बात को, उच्चारण जो स्थान होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, जो क होता है ना, क वाला वर्ग जो होता है, कवंग वाला वर्ग, क ख ग घ अंग जो होता है, इसका उच्चारण स्थल कंठ के सहायता से। ठीक है, और जो च छ ज यह जो होता है, इसके उच्चारण स्थल तालु के सहायता से, और ट ठ ड ढ ढ जो होता है इसको मृधा के द्वारा होता है। अब त थ द ध न जो होता है इसके दंत के सहायता से होता है, अब पफ वाला वर्ग जो है वो उष्ट का सहायता से होता है, और य र वह है यह अंत स्वस्थ वर्णों के सहायता से होता है, और स तलाबी से मूर्धन्य से दंत से जो होता है वो उसमें वर्णों के सहायता से होता है। अब कहेंगे सर ये कंठ क्या होता है, तो देखिए समझिए, देखते ये कह रहे कि देखिए कह रहे जो क का जो कवंग वर्ग होता है इसमें पांच अक्षर आता है, इसका सहायता कंठ, कंठ का ये सर कंठ क्या होता है, तो कंठ देखिए क बोलिएगा ना तो आपका ये कंठ हिलता है, ये देख रहे हैं ना कंठ, ये कंठ देखिए क बोलिएगा तो ये कंठ आगे पीछे करता है, यानी इसका जो क वर्ग का जितना भी अक्षर होता है ना इसका उच्चारण किसके सहायता होता है, कंठ के सहायता से हो सकता है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। और उसके बाद आता है च छ, अभी तालु क्या होता है, तो समझिए तालु समझिए, अरे जो चवंग वर्ग होता है ना इसका उच्चारण किसके होता है, तालु के सहायता से। आपको ये सर तालु क्या होता है, तो तालु देखिए
यह जीभ यानी जीवा जो है, जीवा के जो ऊपर वाला भाग है, जो ऊपर वाला भाग जिसको आप जीभ के छत कह सकते हैं, तो जीभ के जो ऊपर वाला भाग होता है ना उसी को बोलते हैं तालु। देखिए कैसे, जैसे आप च बोलेंगे तो आपका जीभ जाकर तालु से टकरा, यानी जीभ के छत वाला भाग से, अंदर वाला भाग से क्या होता है आपको टकरा जाता है। यानी इसको जो च वंग वर में आपको जो च से लेकर य तक इसका सबका उच्चारण स्थल क्या है, तालु है, जो जीभ का ऊपर आप चित्र में देख सकते हैं। उसी तरह आपको देखिए जो ट्वंग वर्ग होता है इसका उच्चारण स्थल होता है मृदा। अब कौन सा मृदा क्या होता है, ताई समझते हैं। जो मृदा होता है ना, ये देखिए मृदा जो होता है ये दांत का ऊपर वाला जो जाबड़ा देखते हैं जो कठोर होता है ये उसको बोलते हैं मृदा। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यानी दांत के जो ऊपर वाला जाबड़ा आप देख रहे हैं ना, देखिए आप जैसे बोलिएगा टन तो ये जीभ जाकर टकराएगा मृदा, दांत के ऊपर वाला जाबड़ा से टकरा जाता है, उसी को हम बोलते हैं मृदा। यानी जो ट्वंग वर्ग होता है इसका सबका उच्चारण किसके साथ होता है, मृदा के सहायता से। अब आता है कि त वर्ग, जो त वर्ग के अंतर्गत आता है इसका उच्चारण स्थल दंत के साथ, दंत मतलब सुनते हैं ना दांत के सहायता होता है। ठीक है, तो बोलिए तो जीभ जाकर दांत से टकरा जाता है, जो दांत से टकराता है इसका मतलब इसका उच्चारण स्थल क्या है, दंत यानी दांत है, जिसमें त वर्ग में पांच अक्षर रहता है, ये आपको त्वंग वर्ग हो जाए यानी दंत की सहायता से। अब आता है कि सर प फ ब यानी यह प वर्ग, तो इसमें जो पांच अक्षर आता है ना इसका उच्चारण स्थल है ओष्ठ, ओष्ठ माने ओठ। देखिए बिना मुंह देखिए ओठ बनकर प बोलिए तो आएगा ही नहीं, यानी जो वंग वर्ग का होता है ना इसका जो उच्चारण स्थल वो ओठ होता है। देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, देखिए तिरंगा झंडा की तरह कैसे इसके ओठ रंगा हुआ है, यानी जो भी बोलना पवंग वर्ग का जो भी अक्षर का नाम ओठ के सहायता, बिना ओठ बन के नहीं बोल सकते, बिना ओठ टकराए नहीं हो सकता। तो इसमें बोलने के बाद ओठ आपस में क्या होता है, टकराता है, यानी ये ओठ की सहायता से होता है। उसके बाद आता है यर वाला हुआ, जो यर वाला हुआ होता है चार अक्षर, यह अंत स्वस्थ वर्ण होता है। अंत स्वस्थ मतलब यह अंदर से जो प्राण वायु गैस होता है ना प्राण वायु गैस ऑक्सीजन, इसको बोलने से यह अंत मात्रा में बहुत कम मात्रा में, इसको बोलेंगे ना ये चार अक्षर तो बहुत कम मात्रा में हवा मुंह के अंदर जाता है, यानी अंत शरीर के अंदर बहुत कम मात्रा में जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं अंत स्वस्थ वर्ण। यानी जैसे बोलिएगा ना यह तो मुंह में बहुत कम मात्रा में प्राण वायु गैस अंदर जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं अंत स्वस्थ वर्ण। अब आता है तलाबी समुदन से दंत से और देखिए यह होता है उष्मीय वर्ण। उष्मीय वर्ण का मतलब समझिए, उष्मीय वर्ण जब इस सब का उपयोग हम करते हैं ना तो इसको एक और नाम है, इसको घर्षण वर्ण भी कहा जाता है। कोई सर घर्षण वर्ण कैसे, तो देखिए बताते हैं घर्षण वर्ण भी कहा जाता है कैसे। तो देखिए जैसे तलाबी समुदन को बोलने के बाद ना मुंह में घर्षण होता है, हवा आप जो प्राण वायु गैस है ये आपस में टकराती है, तब जाकर तलाबी समुदन से दंत से ह का उच्चारण होता है। यानी जो प्राणवायु के जैसे बोलेगा त्राविश होता है मुंह से हवा जो आएगी वो आपस में टकरा कर यानी घर्षण के मारे, और जब घर्षण होता है तो उसमें उष्मा उत्पन्न होता है, उष्मा का मतलब हीट उत्पन्न होता है, नहीं गर्म महसूस होता है, इसलिए इसको हम लोग उष्मीय वर्ण कहा जाता है। समझ बात को। अब आते हैं कि सर इसके अलावा तो क्षत्रज्ञ होता है, वो क्या गया, देखिए जो क्षत्रज्ञ होता है ना एक वो संयुक्त व्यंजन है। आइए इसके बारे में हम टोटली जानते हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। देखिए जो संयुक्त व्यंजन होता है इसके बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे कि संयुक्त व्यंजन होता क्या है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन के बारे में आप जानते हैं ना क्या होता है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, सबसे पहले आता है कि सर संयुक्त व्यंजन होता क्या है, तो ध्यान दीजिएगा बात को, याद रखिएगा कि संयुक्त व्यंजन, संयुक्त माने क्या होता है बताइए, तो संयुक्त माने होता क्या है संयुक्त व्यंजन। अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए, तो संयुक्त माने क्या होता है ज्वाइंट, ज्वाइंट को जो होता है ना ज्वाइन को ही हम लोग बोलते हैं संयुक्त। अब व्यंजन को क्या होता है कांसो नेट होता है, ध्यान रखना बात को कांसो नेट होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर में संयुक्त व्यंजन होता क्या है। ठीक है, तो देखिए संयुक्त व्यंजन आपने पढ़ा होगा क्या होता है संयुक्त व्यंजन, तो देखिए तो आता है कि देखिए संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि जब 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 एक से अधिक जब एक से अधिक व्यंजन व्यंजन से बना वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। समझ बात को, कह रहे कि जब एक से अधिक व्यंजन, अब एक नहीं एक से अधिक और व्यंजन आपस में आ जाता है तो उसको बोलते हैं संयुक्त। संयुक्त मतलब होता है देखिए इंग्लिश में ज्वाइंट कॉन्सोनेंट, यानी आपको जुड़ा रहेगा इसमें ज्वाइंट रहेगा। अब इसमें संयुक्त व्यंजन आपको चाह होता है कहोगे ना कौन कौन, तो समझिए सबसे पहले आपको होता है छत्री वाला छ होता है ना, अब ये छत्री वाला छ देखिए किसका ज्वाइंट होता है, तो देखिए ये छ में आपको निर्भर रहता है क्या, तो आपको रहता है देखिए क्या
क और स का मिश्रण होता है। देखिए इसमें दो गो अक्षर है कि नहीं, दो गो व्यंजन है कि नहीं, क और स, इसलिए जो छ बनाता है ना क और स से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन का। उसी तरह अगर देखा जाए तो आपसे पूछे त्र, त्र त्र किससे बना होता है, त तो और र से, समझ बात को। उसी तरह आपसे एक और होता है जो ज्ञ होता है, बताइए ज्ञ किससे बना होता है, तो जो ज्ञ होता है वो आपको ज और य से बना होता है, समझ बात को। एक लास्ट होता है श्री वाला स्र, स्र होता है ना, ये किसे, इस भी यह स्र जो होता है ना ये आपको बना होता है किससे, तो आप देख सकते हैं स्र जो किसे बनता है, ये आपको तलाबी स और क्या स्र, यानी र का उच्चारण है, यानी स और र से मिलकर बनता है स्र, समझ बात ना। ये आपको संयुक्त व्यंजन हो गया। अब संयुक्त व्यंजन के बाद आता है कि सर अब एक और आता है द्वित्वक व्यंजन, नाम समझिए, नाम में ही इसका आंसर है कि सर द्वित्वक व्यंजन क्या होता है। अभी मत पूछिएगा इसको संयुक्त व्यंजन कहते, नहीं, संयुक्त व्यंजन अलग होता है और द्वित्वक व्यंजन अलग होता है। तो ये द्वित्वक व्यंजन का मतलब समझते हैं, नहीं समझते हैं, डॉट डॉट कान सुने, समझे। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, कि इसमें जब एक ही, देखिए इसमें जब आपको इसमें क्या होता है, जब एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आता है, देखिए जब एक ही व्यंजन एक से अधिक बार आता है उसे हम द्वित्वक व्यंजन कहते हैं। अब एक ही व्यंजन, एक ही वर्ड दो बार आ जाए तो समझिए वो द्वित्वक व्यंजन हो जाएगा। अब कहोगे सर क्या, ऐसे कौन सी, ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, देखिए हम एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि आप कहते हैं ना, अगर आपसे मैं पूछूं कि बताइए द्वित्वक व्यंजन का एक नाम बताइए, इसे बोलते हैं खाटा, कैसे लिखते हैं खाटा, ऐसे लिखते हैं ना, डबल, देखिए इसमें डबल ट आ गया, खाटा लिखते हैं, काचा लिखते हैं काचा, ऐसे लिखते हैं, देखिए डबल च आ गया। तो देखिए एक ही वर्ड को डबलिंग बार लिखा गया, तो जिसमें डबलिंग वर्ड आ जाए ना, एक ही अक्षर डबल बार आ जाए ना, तो वो कहलाता है द्वित्वक व्यंजन, समझ रहे हो ना, द्वित्वक व्यंजन कहलाता है। इटीसी बहुत सारा आप देख सकते हैं, इसी तरह आपको बच्चा भी होता है, इसमें डबल च आ जाता है तो आपको कहलाएगा द्वित्वक व्यंजन। अब आता है कि सर, अब आपसे आता है कि सर अनुस्वार क्या होता है, ये हम अनुस्वार के बारे में जानते हैं। देखिए अनुस्वार का मतलब समझते हैं, आप समझते हो अनुस्वार का मतलब क्या होता है, आइए देखते हैं, एक एक करके हम देखते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे अनुस्वार के बारे में, जो बहुत ही अनुस्वार बहुत लोग पूछता है धार के बात को, अनुस्वार क्या होता है, आपने पढ़ा होगा इसके पहले भी। कार्य देखिए अनुस्वार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नासल, नासल साउंड, ठीक है। तो पहले आता है कि सर अनुस्वार होता क्या है, तो देखिए कार्य कि किसी भी अनुस्वार, किसी भी वर्ण के कार्य, किसी भी वर्ण के, अगर आपको कह दे किसी भी वर्ण के ऊपर ऊपर लगने वाले बिंदु को, बिंदु को कार्य कि किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अनुस्वार। किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को क्या कहा जाएगा, अनुस्वार। कोई भी व्यंजन लिखे, कोई भी वर्ड लिखे, लेकिन उसके ऊपर अगर बिंदु लग जाता है तो उसी को बोला जाता है अनुस्वार। जैसे कि आप लिखते बोलते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए पंकज, पंकज कैसे लिखते हैं, ऐसे, अरे प के ऊपर बिंदु होता है तब ना पंकज होगा। उसी तरह मैं कहूँ कि नहीं, आप बताइए आप लिखते हैं क्या, और बताइए पंख, पंख लिख लीजिए, पंख हो जाएगा, उसके बाद पंखा हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं ना पंखा। मैंने जिसी, मैंने कहने का मतलब किसी भी व्यंजन के ऊपर अगर चंद्रबिंदु, आपको बिंदु आ जाता है, यानी बिंदु, तो वो पढ़ाएगा अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, बिंदु होता है, ये किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है। अब आता है कि सर, अब आप बताइए अनुनासिक, देखिए अनुनासिक, अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में जो बोलते हैं ना, सेमी, सेमी नसल साउंड, देखिए यह भी बहुत सिंपल है। या इसमें क्या होता है ना, यह किसी भी, किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले, लगने वाले चंद्र बिंदु को, चंद्र बिंदु। अब चंद्र बिंदु का सिंबल कैसे होता है, चंद्र बिंदु देखिए चांद की तरह बना दीजिए, बिंदु लगा दीजिए, सिर्फ बात ना कह रहे किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को बोलते हैं अनुनासिक। अब क्या बोलते हैं,
किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को क्या बोलेंगे? अनुनासिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुनासिक। जैसे कि आप बोलते हैं कि सर एग्जांपल में देखिए, जैसे गांव लिखते हैं ना, तो गांव के ऊपर लगाते हैं ऐसे चंद्र बिंदु लगाते हैं ना, तो ये आपको कौन सा है, तो इसको अनुनासिक पढ़ा जाता है। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आप बताइए छाव, छाव कैसे बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं, लेकिन छाव को बनाया कि नहीं पूछ। अब उसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे पूछ लिखते हैं ना, पूछ, पूछ ऐसे बनाते हैं ना, तो इसके ऊपर भी चंद्र बिंदु लगता है। इतिसी बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। अब आता है एक और इंपोर्टेंट बात आता है कि आता उसके बाद आता है विसर्ग, जो इसके पहले हमने थोड़ा सा बहुत इसके बारे में चर्चा किया था कि विसर्ग जिसको आप लोग इंग्लिश में कोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलन। तो विसर्ग क्या होता है आइए कह रहे, देखिए किसी भी वर्ण के बाद बाद लगने वाले दोहरा बिंदु, समझते ना, दोहरा यानी डबलिंग, दोहरा बिंदु को विसर्ग कहा जाता है। समझिए एक लाइन में समझिए, कह रहे किसी भी वर्ण के बाद लगने वाले दोहरा बिंदु, दोहरा मतलब समझते हैं डबलिंग, दोहरा बिंदु को क्या बोलते हैं? विसर्ग कहते हैं। किसी भी करे कोई भी वर्ण हो और उसके वर्ण के बाद अगर आपको डबलिंग बिंदु दिख जाए तो आपको कहलाएगा विसर्ग। अब एग्जाम्पल में क्या, अब डबलिंग दोहरा बिंदु के मतलब सुनते हैं जैसे डबल बिंदु रहेगा ऐसे, इसी को बोलते हैं दोहरा बिंदु। तो जैसे आप लिखते हैं अत, लिखते हैं ना अत, लिखते हैं ऐसे अत लिखते हैं, ये आपको दोहरा बिंदु। पुनः लिखते हैं सब पुनः, देखिए पुनः में भी डबल बिंदु आता है। और कुछ लिखते हैं नमा, लिखते हैं नमा, देखिए नमा में भी आप डबल बिंदु देते हैं, ये आपको वर्ड हो जाएगा दोहरा बिंदु। तो इसको बोलते हैं हम लोग विसर्ग। अब एक बात और आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है कि सर मांत्रा क्या होता है, मुरल्स, आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सर मात्रा क्या होता है, मात्रा जो बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है कि मात्रा, बच्चे से लोग नहीं बता पाते हैं। मात्रा को हम लोग बोलते हैं क्या, और मात्रा को बोलते हैं मोरल्स। क्या बोलते हैं? मोरल्स। अब देखिए मात्रा क्या होता है, आइए जानते हैं मात्रा। देखिए मात्रा जो होता है ना, ये मात्रा इसके बारे में कह रहे कि ये स्वर, देखिए मात्रा जो होता है ना, स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है ना, उसी को मात्रा कहते हैं। क्या नहीं, कहने का मतलब स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है, व्यंजन के साथ जुड़ता है, समझ ना, कार्य की स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ अगर जुड़ जाएगा वही मात्रा कहलाएगा। अब कहोगे सर कौन सा ऐसा होता, आइए हम जानते हैं। कार्य की ध्यान रखिए भाषा एक लाइन का है, स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ गया तो क्या कहलाएगा? मात्रा कहलाएगा। एग्जांपल में आइए हम देखते हैं, एक तरफ हमने स्वर को लिख देते हैं और दूसरी तरफ इसकी मात्रा को लिख देते हैं। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर स्वर कर दिया और यहाँ पर मात्रा कर दिया। अब स्वर कितना होता है, स्वर वर्ण कितना होता है, तो आपको ये सर हमने कल ही वीडियो में पढ़ा था ना, 11 होता है। तो देखिए 11 कौन कौन होता है, आपको अ होता है, आ होता है ना, ई होता है, बड़ी होता है, छोटा उ होता है, बड़ा उ होता है, री होता है, ए होता है, ए होता है, उ होता है, और लास्ट में आपको अ होता है, ये ना होता है, ये आपको स्वर वर्ण हो गया। अब इसकी मात्रा देखिए, अ का मात्रा जो होता है वो साइलेंट रहता है, उन्हें आपको पता छिपा रहता है। आ का मात्रा आपको अकार, देखिए यही आपको स्वर की मात्रा है, सुने बात में, यही मात्रा किसी व्यंजन वर्ण के साथ जुड़ता है। ई का जो मात्रा होता है, हम जानते हैं ई की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी की मात्रा ऐसे होता है, ऊ की मात्रा कैसे होता है, तो बताइए ऊ का मात्रा ऐसे होता है, बड़ा ऊ का ऐसे, री का आपको जानते हैं ऐसे होता है, ए का क्या, एक मात्रा मुड़ी पर, इसके मतलब डबल मात्रा मुड़ी पर, इसके ओ की मात्रा ऐसी होती है, ओ की मात्रा कैसे होता है, एक ही आकार के ऊपर डबल मात्रा, ये आपकी ओ की। तो यही वर्ड किसी भी जो भी व्यंजन आता है उसमें अगर स्वर आता है तो इसी में से कोई ना कोई मात्रा उसमें लगा होता है, समझ बात ना। तो देखिए और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे आपको हिंदी व्याकरण का सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।